ये फिर आ गया। तो हाँ जी, राम राम सारे बहन, मैं थारा भाई सागर और थारा स्वागत करता हूँ सागर एंटरटेनमेंट की एक निफ्रेस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइज कैसे हो तुम सारे? उम्मीद है तुम सारे बढ़िया हो गए और हंस रहे हो गए, खेल रहे हो गए और मजे कर रहे हो गए। थारा भाई एक नंबर मजे में है। और गाइज आज की यह वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा, अमेजोन की सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, सेल पे सेल चल रही है। दिवाली आते ही इनका पता नहीं क्या हो जाता है, ले भाई रुपया कमाओ रुपया। हाँ, कुल मिला के ये सीन है। तो गाइज अभी की जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये है जो अमेजोन हरकतें करता है, फ्लिपकार्ट हरकतें करता है। पहले हमने सुनी थी स्नैपडील, स्नैपडील भी हरकतें कर रहा था और करते करते डूब गया। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल फोन की जगह कभी ईंट बेच देता था, ईंटें भेज देता था, कभी कोई गत्ते का कागज, कभी कुछ भी वो फोन मंगाते थे पर निकलता था क्या? गत्ता। तो गाइज ऐसी ही कुछ हरकत हुई है मेरे भाई के साथ। दिल्ली में रहता है मेरा भाई, उसने अपना एक लैपटॉप ऑर्डर किया था अमेजोन से लैपटॉप ऑर्डर किया, बट आया क्या? खंडर। बूम, खंडर आया। जो लैपटॉप होते हैं ना कचरे में जो गिरे हुए होते हैं, वो लैपटॉप आया। हाँ गाइज आप सही सुन रहे हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक नंबर करेक्ट बता रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के थंबनेल में पढ़ा होगा या देखा होगा, कितना बुरी हालत का लैपटॉप भेजा है अमेजोन वालों ने। तो गाइज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे जो बड़े बूढ़े मम्मी पापा हैं, दादा हैं, ताऊ जी, जो भी अपने बड़े हैं, वो एक बात कहते हैं, सेल की चीज रद्दी की चीज होती है, तो हमेशा सेल की चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बट क्या करें, हम हैं मिडिल क्लास लोग, सेल की चीज, सेल देखते हैं, भाई सेल आ रही है, इतना सस्ता 70,000 रुपए का 30,000 में मिल रहा है, 40,000 में मिल रहा है, तो भाई हमारे 20-25,000 रुपए बच रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, मंगाओ ना। तो गाइज ऐसे ही मेरे भाई ने ऑर्डर किया था लेनोवो का लैपटॉप, पर आया क्या? HP का एक खंडर लैपटॉप, जिसकी डिस्प्ले टूटी हुई, कीबोर्ड टूटे हुए रहे। बेशर्मो, कम से कम HP का लैपटॉप भेजा है तुमने लेनोवो की जगह, तो कम से कम अच्छा सा तो भेज देते। चलो कोई बात नहीं, ये रही HP वालों की, लेनोवो वाले की अलग बात, इनका तो कोई रोल नहीं है, उनको हम IT कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बट हम सारा फोकस करेंगे डीलर्स के ऊपर और फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर। चलो फ्लिपकार्ट का तो मेरे को अभी तक कोई ऐसा सीन लगा नहीं है, अमेजोन का मैं बहुत बुरा, अभी मैंने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, इतना बुरा एक्सपीरियंस मेरे भाई ने किया, उसने वीडियो और फोटो भेजी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी फोटोज देख रहे हो। यहाँ पे ये लैपटॉप है HP का, मंगाया गया था लेनोवो का, आ गया है HP का। ये जहाँ से भी अमेजोन वाले उठाते हो, भाई तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस वीडियो को ना दबा दब वायरल कर दो, और अमेजोन की सेल आने वाली है दिवाली वाली, उसको भी जितना जितना बाइकआउट कर सको। अगर बाइकआउट करोगे तभी उनके दिमाग में बैठेगी, जब भी उनकी कंपनी जो है नीचे लॉस में जाएगी ना, जब भी वो हम कस्टमर्स की मतलब थोड़ी सी वो समझेंगे कि भाई कितने मिडिल क्लास लोग कितने पैसे देखते हैं, कितना EMI पे भी लेते हैं कई लोग, और तुम उनको गंदे गंदे प्रोडक्ट्स देते हो, क्या मतलब हो रहा है यार तुम्हारा? मतलब किसी की मेहनत की कमाई तुम ऐसे दे रहे हो, मतलब ठीक है तुम रिप्लेस कर देते हो तो गलती क्यों करते हो? इंसान के धक्का लग जाता है, दिल में दर्द होता है यार, इतना पैसा देने के बाद तुम खंडर भेज रहे हो। तो गाइज आप ये वीडियो देखिए, मेरे भाई ने वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसने अमेजोन का पार्सल लिया था, लेनोवो का लैपटॉप मंगाया था, और उसके अंदर क्या निकला आप पूरी वीडियो देखिए।
तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है पूरी, इसके अंदर क्या डब्बा, अमेज़न का डब्बा उसने भाई ने खोल दिया। डब्बा खोलने के बाद उसके अंदर से बॉक्स निकला। अभी तक सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ A1 है, बारकोड सब कुछ दिख रहा है और लेनोवो के डब्बे पे भी सब कुछ दिख रहा था कि मॉडल नंबर फलाना 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 ये है। बट जब लेनोवो का बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर से निकला HP का खंडर। क्या मतलब है ये? नहीं ठीक है, तुम्हारी कंपनी टॉप मोस्ट कंपनी है, अमेज़न, उसमें बहुत पैसा आ रहा है, तुम दुनिया के नंबर वन बिजनेसमैन हो, कमाई भी तुम्हारी बढ़िया चल रही है, तो मतलब कस्टमर्स के साथ एक ना रिस्पेक्ट का, दिल का कनेक्शन होता है। मतलब अब आज के टाइम पे ना ई कॉमर्स वेबसाइटें जितनी भी है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये है ना, दुनिया इसी पे मूव कर रही है, ना कि किसी बाजार में जाने से। दुनिया अगर ये सोच रही है ना कि भाई हम घर बैठे IT सेक्टर का कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, IT टेक्नोलॉजी का कुछ भी मंगा सकते हैं या फिर घर की कोई भी अप्लायंसेस मंगा सकते हैं, तो वो भरोसा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। भरोसे को तोड़ो मत, भरोसा बना के रखो। मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके ना दुकानदारों से पूछो कि भाई क्या हालत है तुम्हारी, वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, ये ऑनलाइन वालों ने हमारा बिजनेस ठप कर दिया। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि कस्टमर जितने भी हैं दुकानों पे ना जाके ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी वैरायटी मिल रही है, ज़्यादा स्टॉक मिल रहा है, तो वो वहीं से परचेज कर रहे हैं। तो दुकानदार परेशान है तुमसे, तो अब कस्टमर को भी परेशान कर दो, फिर वो दुकानदारों पे मूव हो जाएंगे। तो भाई बढ़िया है, एक काम तो मस्त कर रहे हो तुम, कस्टमर्स को दुकान पे भेजो और दुकानदार भी खुश, हम भी खुश, सेटिस्फेक्शन मिलेगी हमें, दुकानदार बिल्कुल खोल के दिखाएगा। और आप सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अमेज़न से ये चीज़ें मत मंगाया करो। ई कॉमर्स वेबसाइट जितने भी होती हैं, जितने भी महंगे आइटम्स हैं, तुम मत मंगाओ वहाँ से, अपना खुद जाओ स्टोर पे। इतने सारे स्टोर्स खुल रहे हैं, ओपन है स्टोर, वहाँ जाओ, वहाँ जाके खुद अपनी आँखों से देखो। मेरी तो चार चार है, तुम्हारी भी होगी किसी की चार 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 आँखों से जाके खरीदो, वहाँ पे देखो कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसी को बाय करेंगे। ये नहीं होता कि फ्लिपकार्ट अमेज़न वाले तो कुछ भी देंगे तुम्हें। भाई पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है आजकल। मैं देख रहा हूँ ये आईफोन वगैरह इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, ये सस्ते भी दे रहे हैं, पर मुझे आज तक पता नहीं लगा क्यों दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट अमेज़न पे सस्ते मिल जाते हैं, बट वहाँ पे से आने की गारंटी अच्छी गई, अच्छे की आने की गारंटी कुछ नहीं है भाई। फिर तुम रिप्लेस करते डोलोगे, वो फ़ायदेमंद नहीं है मेरे भाई। अपनी आँखों से देखो कि भाई मेरे को ये फलाना फलाना ये गैजेट लेना है, फिर उसको पैक करवाओ, ये सीन मत करो मेरे भाई। तो गाइज आज की वीडियो थी इतनी ही। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो गाइज इस वीडियो को वायरल कर दो, धब्बा धब वायरल कर दो, क्योंकि सेल आने वाली है अमेज़न की। और भाई ये जो है ना बेज़ोफ कुछ नाम है उसका, वो टॉप पे चढ़ रहा है, उसको नीचे गिराओ। ये अपनी हिंदुस्तान की जनता कर सकती है। विदेश वालों को तो बढ़िया बढ़िया आइटम देते पता नहीं क्यों, और विदेश वाले तो मोस्टली ना स्टोर्स पे जाके परचेज करते हैं, स्टोर्स पे जाके देखते हैं। और भाई तुम ना विदेशी मत बनो, तुम ज़्यादा ये मत दिखाओ कि हम भाई आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, भाई तुम्हारा पैसा लग रहा है। तुम जाके अपनी ईमानदारी से पैसा कमाया है जो तुमने, उसको दो और वही ईमानदारी से अपना गैजेट लो, ठीक है मेरे भाई। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, तब तक के लिए राम राम।